फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ, आज से रनिंग यही सीरीज स्टार्ट होने वाला है एंड नेक्स्ट 22-12 इसमें हम लोग पूरे वीडियोस देखेंगे। एंड नेक्स्ट 12 जो है उसमें भी अभी किसी को कुछ दिक्कत हुई तो वहाँ पे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, अगर पॉसिबल हुआ तो NX 12 का भी वीडियो वहाँ पे हम लोग डालेंगे। बट अभी ये नया अपडेट है, एक अपडेट इसके ऊपर और आ गया है बट मैंने अभी तक अपडेट किया नहीं है। ये 22-12 है वर्ज़न, उसका हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यूज़र इंटरफेस से स्टार्ट करते हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं पीयूष गज्जर स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेडिएंट कैटकेम में। आज हम देखने वाले हैं 22-12 एनएक्स 22-12 का यूज़र इंटरफेस। तो यूज़र इंटरफेस में मैं आपको बता दूं कि इतना कुछ खास चेंज नहीं है अकॉर्डिंग टू NX 12। बीच में काफ़ी सारे अपडेट चले गए बट मैं डायरेक्ट जंप कर रहा हूँ NX 12 से 22-12 में। तो 22-12 आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम लोग न्यू में जाएंगे, न्यू, यहाँ से मैं मॉडल में ओके करूँगा। तो सबसे पहले NX 12 और 22-12 की बात करें तो आप देख सकते हो कमांड के जो सिंबल है वो काफ़ी चेंज है, कलर चेंज कर दिए हैं पूरे। तो मैं आपको पहले से बोल रहा हूँ कि कोई भी चीज़ उसके नाम से याद रखो, ना कि कमांड से, ठीक है? कमांड्स मतलब कि आप सिंबल से याद रखते हो कि एक्सट्रूड तो ये सिंबल है तो एक्सट्रूड है, वैसा नहीं करना है। पर्टिकुलर वो चीज़ को नेम से याद करना है। अगर आप लोगों ने NX 12 में हर चीज़ उसके नेम से चल रहे हो, नाम से, ठीक है, तो आपको ये वर्जन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हाँ, आप सिंबल से चल रहे हो तो ये आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा बट NX 12 से ये काफ़ी ईजी कर दिया है। खासकर इसमें प्रोग्रामिंग में काफ़ी सारे चेंजेस है, डिज़ाइनिंग में है चेंजेस, 2D में चेंजेस है, 3D में है, बट वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले आज का जो एजेंडा है हमारा यूज़र इंटरफेस, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ तो ये जो है NX के बाजू से ये सेव बटन है, वहाँ से जो ये स्टार्ट हो रहा है इसे बोला जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। इसे आप आपके हिसाब से कस्टमाइज करवा सकते हो। तो कस्टमाइज़ कैसे करवाते हैं, ये एरो के ऊपर टूल बार ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक करो, आपको जो भी चाहिए, जैसे कि न्यू वाला यहाँ पे मुझे चाहिए, क्लिक कर दिया, न्यू यहाँ पे आ जाएगा। तो जो भी आपको यहाँ से ऑन ऑफ करना है आप क्लिक करके ऑन ऑफ करवा सकते हो। जो बटन आपको वहाँ पे चाहिए क्विक एक्सेस टूल बार में वो आप यहाँ से इजीली ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे NX मॉडलिंग आ गया, ठीक है, सीमेंस कंपनी का सॉफ्टवेयर। उसके बाद ये वाला जो है ये है मेरा टैप बार, ठीक है, ये टैप बार, ये वाला हो जाएगा रिबिन बार। रिबिन बार में अलग अलग ग्रुप्स हैं, बेस ग्रुप है, कंस्ट्रक्शन ग्रुप है, सिंक्रोनाइज मॉडलिंग्स है, बाकी यहाँ पे टैप में अलग अलग सब दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो ये है टॉप बॉर्डर बार। तो टॉप बॉर्डर बार में आप देख रहे होंगे जो सो हाइड वाले बटन थे, फिट वाले बटन थे, जूम रोटेट वाले, वो सब यहाँ से हट गया है। तो ये एक चेंजेस है यहाँ पे यूज़र इंटरफेस में। उसके बाद यहाँ पे ये वाला सिलेक्शन है, ये सेम है, रेक्टेंगल में सिलेक्ट करना ये रेक्टेंगल आएगा, यहाँ से आपको लेस्को में सिलेक्ट करना ये लेस्को, और सर्कल में सिलेक्ट करना है तो ये सर्कल। यहाँ से आप जो भी मेथड यूज़ करना चाहते हो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो ये सेम है मेरा रिसोर्स बार। रिसोर्स बार में जो है वो ये ऑप्शंस जो है वो पूरे सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ये आपको कुछ यहाँ पे नया लग रहा होगा, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, ये कुछ नया नहीं है, मैंने वहाँ पे ऐड किया हुआ है तो इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। यहाँ से ये असेंबली नेविगेटर है, पार्ट नेविगेटर है, ये पूरा सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। उसके बाद में बात करें तो ये हो गया मेरा राइट बॉर्डर बार, ठीक है, राइट बॉर्डर बार। अब ये कमांड को मुझे कस्टमाइज करना है, जैसे कि चलो एक्सट्रूड को हम लोग लेके आ जाते हैं
राइट बॉर्डर वॉर में तो एक्सट्रूड यहाँ पे आ गया, राइट बॉर्डर वॉर ऑलरेडी है यहाँ पे बट ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद इसको लेफ्ट बॉर्डर वॉर में ऐड करते हैं, तो ये हो गया मेरा यहाँ पे जो आएगा वो लेफ्ट बॉर्डर वॉर। नीचे एक बार बनेगा उसे बोला जाता है बॉटम बॉर्डर वॉर, ये बॉटम बॉर्डर वॉर ठीक है। और टॉप बॉर्डर वॉर में आपको दिखा चुका हूँ टॉप बॉर्डर वॉर, तो ये यहाँ पे आ गया टॉप बॉर्डर वॉर। उसके बाद यहाँ पे जो आएगा इसे बोला जाएगा क्यू बार। क्यू बार मीन्स कि आपको जैसे कि चलो मैंने ये स्केच पे क्लिक कर लिया ठीक है, ये आपको हिंट देगा। देखो यहाँ पे सिलेक्ट फेस और प्लेन व्हेन द स्केच प्रीव्यू एट द लोकेशन, तो आपको कहाँ पे स्केच ड्रॉ करना है वो उसे प्लेन फेस सिलेक्ट करके लोकेशन देना है। तो ये हो गया एक क्यू बार, यहाँ से आपको पता चलेगा कि मुझे क्या करना है, कमांड क्या बोल रहा है और मुझे अब क्या करना पड़ेगा, तो इसे बोला जाता है क्यू बार। क्यू बार और ये जो है ये है मेरा ग्राफिक्स विंडो। तो ग्राफिक्स विंडो में यहाँ पे ये चेंज आ गया ठीक है, जैसे कि मैंने ये व्यू चाहिए, ये व्यू चाहिए, आप यहाँ से डायरेक्ट व्यू इसे हम लोग घुमा सकते हैं ठीक है। तो ये यहाँ पे नया ऑप्शन है, पहले एक्स वाई आते थे और ये ऐसे लॉक करके ओरिएंटेशन हम लोग घुमा सकते थे। तो ये हो गया मेरा यूजर इंटरफेस, यहाँ पे सेम है फुल स्क्रीन करने के लिए, तो ये फुल स्क्रीन हो गया। अब पहले NX 12 में नीचे भी एक ऑप्शन आता था, यहाँ पे वो ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। ये रिबन बार हाइड करने के लिए है, यहाँ से हेल्प है, यहाँ से आप कोई भी कमांड सर्च कर सकते हो। इसमें काफ़ी सारी लेगेसी जो 12 में थी वो तो है ही, अलग से भी है लेगेसी इसमें। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ऑटोमेटिक, जैसे जैसे हम लोग क्लिक कर रहे हैं वैसे वैसे ये चेंज होता जा रहा है, सेम यहाँ पे भी ये चेंज होता जाएगा। तो ये आप कस्टमाइज करवा सकते हो, यहाँ पे आएंगे एप्लीकेशन में तो बात करें तो वो सेम है मॉडलिंग ड्राफ्टिंग असेंबली मैन्युफैक्चरिंग ठीक है। उसके बाद होम में, तो होम में आप यहाँ से ये जो भी आपको ऑन ऑफ करवाना है आप यहाँ से ऑन ऑफ करवा सकते हो। यहाँ से आपको कुछ रीसेट बॉर्डर वार करना है, ये रीसेट बॉर्डर वार जो था वैसा वो हो गया। तो यही एनएक्स 22/12 में हम लोग अब कंटिन्यूस वीडियो रखने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ना दबाना भूलना मत ताकि अपडेट आपसे मिस ना हो। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड और ग्रुप में शेयर तो जरूर ही करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।